नमस्कार दोस्तों, ओशो जेन की इस ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जीरो नंबर कार्ड द फूल के कार्ड के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे वन नंबर कार्ड के बारे में, और यह कार्ड है एग्जिस्टेंस मींस अस्तित्व। यह कार्ड बताता है कि इस व्यक्ति की जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत मायने रखती है। दूसरे लेवल पर कहा जाए तो हर व्यक्ति को, हर जीव को अपनी एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को साबित करना होता है। मींस अगर आप इस धरती पर आए हैं तो आपका इस धरती पर होना किस तरह से जायज है, आप किस तरह से किसके काम आ रहे हैं, वही आपके इस धरती पर जायज होने को बताता है। दोस्तों, फिर समझना है इस बात को कि अगर एक पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इस धरती पर कितने जीवों के काम कर रहा है, कितने लोगों के जीवन को खुशियों से भर रहा है। यह है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। बहुत से जगहों पर, धर्म संप्रदाय में हम जाते हैं, हम बहुत जगह पर देखते हैं एक चीज हमेशा पूछी जाती है कि हम इस धरती पर आए हैं अगर तो इसका क्या औचित्य है, हम इस धरती पर आए हैं तो अपने जीवन को सफल कैसे करें, अपने इस धरती पर आने के जो जीवन काल है इसको ओवरऑल जो ईश्वर ने हमें यहां भेजा है तो ये सही है, इसे हम प्रूव कैसे करें। दोस्तों, एग्जिस्टेंस का कार्ड उसी तरफ लेकर चलता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे तो एक व्यक्ति जो बैठा है वो नेकेड बैठा है, यानी यह दुनिया और दुनियादारी की परवाह किए बिना अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन इस वर्ल्ड को प्रोवाइड करता है। क्योंकि 80% ऑफ दी सक्सेस इंसान की इसी वजह से रुक जाती है जब वो इस असमंजस में पड़ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं अगर ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा। यह आपकी एग्जिस्टेंस को बहुत हद तक सही साबित होने से रोकता है, आपके जो ओवरऑल पोटेंशियल है, आपका ओवरऑल जो कैलिबर है उसे रोकता है। दोस्तों, कार्ड है ये सूर्य का, वन नंबर इज सन, सूर्य का कार्ड है। आप समझ जाइए कि सूर्य एक अकेला ऐसा प्लैनेट, आप उसको अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट गिनते हैं तो सूर्य एक ऐसा प्लैनेट हो गया जिसके चारों तरफ बाकी सब चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य स्टेबल है लेकिन बाकी सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, एग्जिस्टेंस का जो ये कार्ड है आप देखेंगे ग्रीनरी के ऊपर, एक अकेली लीव के ऊपर इस तरह से बैठा हुआ है, यानी जैसी मर्जी एडवर्स परिस्थिति हो यह व्यक्ति अपनी एग्जिस्टेंस को साबित कर सकता है। अगेंस्ट एवरी ऑड यह पर्सन रिजल्ट ला के दिखा सकता है, इसमें इतना कैलिबर है। इसके बाद बात करें तो वहां बहुत सारे स्टार्स हैं, यानी इस व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। इस व्यक्ति को दुनियादारी की, ध्यान रखिएगा दो लेवल पर ये बात हो रही है, एक होता है जनरल दुनियादारी, मतलब लोगों का काम है, वो सबको नेगेटिव बोलते हैं, हर जिने के कार्य में वो कमियां जबरदस्ती की निकालते रहते हैं, खासकर जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो उसके कार्य में और ज्यादा लोग उसके एंटी बोलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो उसके जैसा बन नहीं सकते, इस वजह से उसकी बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। आपको यह समझना है कि कहीं ये कार्ड आपका आया हुआ है और आप कहीं इसी चक्कर में तो नहीं फंस रहे कि लोग क्या कहेंगे। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, अगर सेल्फ डाउट भी आ रहा है क्या मैं ये कर पाऊंगा, तो उस सेल्फ डाउट को भी दूर करना है। आप अकेले कुछ भी कर सकते हो, ऐसी शक्ति और समर्थता के साथ आपको ईश्वर ने बनाकर भेजा है। दोस्तों, यह कार्ड सूर्य का हो गया, यानी अनलिमिटेड पावर का हो गया, अनलिमिटेड फेम का हो गया, अनलिमिटेड क्रिएटिविटी का हो गया। इस व्यक्ति को इतना फोकस्ड होना है, ध्यान रखेंगे उसका जो पोज है वो मेडिटेशन का है और उसका जो फोकस है
वो बिल्कुल भी डगमगा नहीं रहा। यानी आपको अपना गोल, अपना टारगेट, अपना ध्येय डिसाइड करना है और उस पर बिल्कुल फोकस्ड होकर कार्य करना है। अपने फोकस को बढ़ाने के लिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको मेडिटेट भी जरूर करना है। मेडिटेट, देखो स्टार्स जो हैं वो भी सूर्य हैं, आप जानते हैं साइंटिफिकली ऑल दी स्टार्स व्हिच यू आर वॉचिंग दे आर एक्चुअली अ सन। अब आप सूर्य को त्राटक करते हो तो आंखें खराब हो जाती हैं क्योंकि उसकी रोशनी बहुत तेज होती है। तो यह कार्ड कहता है कि आप चंद्र त्राटक करना शुरू करिए, जो सूर्य से भी दूर है, नहीं उससे भी बड़ा और दूर का जो गोल है आप वहां तक भी पहुंच सकते हैं। तो चंद्र त्राटक करना, जो स्टार्स है उसको त्राटक करना इसे बहुत हेल्प करता है। मून नहीं, स्टार, स्टार्स को देखना और फोकस करके उससे ऊर्जा प्राप्त करना इसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये कार्ड करियर वाइज आता है, बिजनेस वाइज आता है, क्रिएटिविटी वाइज आता है, किसी भी चीज के वाइज आता है, तो यह कार्ड बताता है ये एग्जिस्ट कर जाएगा। बहुत ही बढ़िया कार्ड है। हेल्थ वाइज भी, किसी की हेल्थ बहुत गड़बड़ हो तो भी ये एग्जिस्टेंस का कार्ड है, कोई सर्जरी है कुछ भी है, ये झेल जाएगा और एग्जिस्ट कर जाएगा। ये कार्ड पॉजिटिव। लेकिन बात जब आती है रिलेशनशिप की तो ध्यान रखिए ये अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है। मींस इसकी कहीं ना कहीं जो ईगो है, जो टारगेट है, जो करियर ओरिएंटेशन है, इसके अंदर जो कुछ पाने की चाह है वो हमेशा ज्यादा रहने वाली है। कुछ लोग इमोशनल होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल होते हैं। ये व्यक्ति प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को पहले देखेगा। ध्यान रखिएगा ये कहीं ये नहीं कहता ये रिलेशनशिप वाइज नेगेटिव कार्ड है, बट लेकिन प्रायोरिटी इसकी करियर रहेगी देन रिलेशनशिप। तो इस चीज को हमें समझते हुए चलना पड़ेगा। तो दोस्तों यह कार्ड स्पेस एलिमेंट का है, वन नंबर सूर्य का है, फिर देखेंगे ओवरऑल पॉजिटिव अपीयरेंस दे रहा है, ग्रीनरी है और उस पर एग्जिस्टेंस है जो ग्रोथ को बताता है। मेडिटेशन पोज में बैठा है तो मेडिटेशन इसको बहुत हेल्प करेगी। फिर फोकस्ड कहां कर रहा है, स्टार्स पे, तो स्टार्स को अगर ये गेज करता है, उन पे मेडिटेट करता है, रिजल्ट बहुत अच्छा देगी। एग्जिस्टेंस इसमें लिखा है, ये अपने अस्तित्व को साबित करके जाएगा, ऐसी शक्ति और समर्थता के साथ इसे भेजा गया। वन नंबर सूर्य का है, मैं दोबारा कहूंगा सूर्य प्रेम भी देता है, सूर्य ताकत भी देता है, सूर्य दूसरों के जीवन में रोशनी बढ़ाता भी है। तो जहां से मैंने बिगिन किया था, एग्जिस्टेंस आपकी सही साबित तभी होती है जब आप बहुत लोगों के जीवन में रोशनी ले आते हो, खुशियां ले आते हो। तो दोस्तों आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में आपने वन नंबर के कार्ड को, एग्जिस्टेंस के कार्ड को सीखा। इसी तरह से हम विधिवत सभी कार्ड्स के मीनिंग जब अच्छे से जान जाएंगे तो इसे कैसे रीडिंग्स में यूज करना है, कैसे रेमेडीज के लिए यूज करना है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं जगमोहन सचदेवा आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।